बेबे बादाम कितने महंगे हो गए ना। अरे बादाम की छोड़, आम आदमी तो मूंगफली खरीद के भी नहीं खा सकता। ओ अमृता, ओ बेबे, ओ भाई बहुत ही बढ़िया, ओ कितनी बड़ी खुशी की खबर आई है यहाँ, ओ हम लंदन जा रहे हैं। सच में? हाँ, लंदन। वहाँ की क्वीन का लेटर आया, ये देखो, 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 ये देखो। वो तुझे जानती है? ओ नहीं बेबे नहीं, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस है जहाँ दुनिया भर के गांवों से ऐसे लोग बुलाए हैं जो अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, मतलब पंचायत चलाते हैं। पापा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या हम सब लोग जा रहे हैं? मेरी तो बचपन की इच्छा पूरी हो गई। जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने सुना था बापू जी ना किसी कॉन्फ्रेंस, पता नहीं मीटिंग के लिए ना इंग्लैंड गए थे। तब से मेरी इच्छा थी मैं भी एक बार इंग्लैंड जाऊं। कब जाना है चौधरी? भाई देखो, ऐसा है कि वहाँ जो आदमी जाएगा उसको सिर्फ इस बात की इजाजत है कि वो अपने साथ एक आदमी ले जा सकता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने साथ वो मैं अपने पुत्र रविंदर को ले जाऊंगा। यस दादाजी, मैं आपके साथ जाऊंगा लंदन। ओए और क्या, वो तू और मैं चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। लेकिन पापा जी, वहाँ पर लंदन में हमारे पिंड से भी ज्यादा ठंडी होगी ना। ओए पुत्र, हो सकता है कि उस वक्त तो वहाँ पर बर्फ भी पड़ रही हो। हाँ वाह भाई वाह, मजा आएगा स्नोबॉल देखने में। मैं अभी जाकर रोहन और अमन को कहता हूँ, ठीक है? जा जा पुत्र जा। ओ भाई बेबे, अमृता, ओ भाई मैं भी अपनी तैयारियां कर लेता हूँ, वो कोई चीज रह ना जाए। हाँ चलो। लंदन। हाँ लंदन, पर वहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ती है ना। तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलने आती? I can walk English, I can talk English, I can sleep English. इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है। I am talking English, I am sleeping English, I am walking English, I am crying English, I am dying English. देखा, मुझे आती है इंग्लिश। तुझे क्या लगता है, मेरे दादू तुझे लेके जाएंगे? कभी नहीं लेके जाएंगे, वो मुझे ही लेके जाएंगे क्योंकि वो मेरे दादू है। और हमारा पुत्र कहलाएगा लंदन रिटर्न। और ये पोता गाएगा क्या? हाँ, धर्मपुर देखा, पंजाब देखा, अब देखेंगे लंदन। धर्मपुर देखा, पंजाब देखा, और देखेंगे लंदन, फिर जाएंगे हम पेरिस और फ्रांस भी। लंदन देखा। ओए रोहन अमन, वो तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है भाई? मुझे भी लंदन जाना है। हमें भी लंदन जाना है। अच्छा, अभी हम जाएंगे, उसके बाद तुम आ जाना, है ना? ठीक है। लंदन जाएंगे, लंदन जाएंगे, लंदन जाएंगे, लंदन जाएंगे। बेबे, मुझे बहुत खुशी कि अपने रविंद्र इतनी छोटी सी उम्र में पूरा लंदन घूम लेगा, लेकिन मुझे बहुत चिंता भी हो रही। किस बात की चिंता? बेबे, 15 दिन कोई कम तो होते नहीं, और इन 15 दिनों में अगर पापा जी को सब कुछ पता चल गया तो? भाई क्या पता चल गया? बेबे आप फिर भूल गए ना। भाई अगर मैं भूल गई हूँ तो तू मुझे याद दिला देना। बेबे, अपना रविंदर रविंदर तो है नहीं, बल्कि रावी है, यानी एक लड़की, और इस बात का पता किसी भी तरह से पापा जी को नहीं चलना चाहिए। बोले मैं तो वाकई भूल गई थी, पर तू ना किसी बात की चिंता मत कर, भाई गुरु सब ठीक करेंगे, और जो आज तक नहीं पता चला ना, आगे भी नहीं पता चलेगा। ले रविंदर भी आ गया, अब तू ना खुशी खुशी इसके जाने की तैयारी कर, ठीक है? मैं चलती हूँ। मम्मी, मैं जानता हूँ कि आपको किस बात का डर है, लेकिन तुसी फिकर ना करो, साड़ा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। पुत्र जी। पापा जी। ओ पुत्र,
बाहर जाने के लिए मेरे पास तो पासपोर्ट है, रविंदर के पास है नहीं, तो मैंने किसी एजेंट को बुलाया, वो आएगा, उसके पास फॉर्म होगा, तू फॉर्म भर देना और साइन कर देना और बाकी काम वो कर लेगा, और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? जी ठीक है पापा जी। पासपोर्ट के लिए जब मैं फॉर्म भरूंगी तो फॉर्म भरते हुए सच तो बोलना ही पड़ेगा, और मान लो अगर किसी तरह से पासपोर्ट बन भी गया तो उसमें रावी का असली नाम तो लिखा ही होगा ना, ये भी लिखा होगा कि वो एक लड़की है। पापा जी लंदन जाने से पहले पासपोर्ट तो देखेंगे ही, अब क्या होगा? क्या ये सीक्रेट लंदन जाने से पहले ही खुल जाएगा और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा? हे वाहे गुरु, रास्ता दिखा। थैंक यू। फॉर्म तो पूरा भर लिया, अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं। रविंदर नाम बोलो बेटा, फटाफट नाम बोलो। बनर्जी साहब, पहले पान तो थूक के आइए। अंदर ही थूक दे। अब नाम बोलो फटाफट। रविंदर सिंह चौधरी। एज 6 साल। नेशनलिटी इंडियन। लड़का या लड़की? लड़की।